नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल पांडे है और मैं आज सभी लोगों को बताना चाहूंगा यूनिवर्सल कार्ड के बारे में। आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि यूनिवर्सल कार्ड इंस्टॉल करने के बारे में बताया जाए, उसके एक एक बारीकियों के बारे में बताया जाए ताकि आप सभी लोगों के काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज का जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए, और मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को यूनिवर्सल कार्ड की एक एक बारीकियों के बारे में आपको बताऊंगा ताकि कोई स्टेप छूट ना जाए। जो हमारे पुराने भाई लोग हैं उनको तो बहुत आसानी से सब कुछ पता है, इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं आज का वीडियो लेकर के आया हूं। और चलिए देखते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये यूनिवर्सल पतंजलि कार्ड है, जिसको मैं पतंजलि कार्ड बोलता हूँ, यूनिवर्सल बोर्ड। ये उसके साथ की आई है, हमने की को की की जगह पर लगा दिया, आप देख रहे हैं, थोड़ा नज़दीक करो। ये हमारा है इन्वर्टर, यूनिवर्सल इन्वर्टर बोर्ड। हम कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 36 वोल्ट समथिंग 40 वोल्ट तक होती है। और ये रहा हमारा एक एडाप्टर, ये रही पैनल आपके सामने, आप देख सकते हैं बैक लाइट के साथ। और ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ नज़दीक से देखिए, ये जो पैनल है सर, ये पट्टे वाली पैनल है, आप देखिए पट्टे वाली पैनल है। पर वीडियो बनाने के लिए मैंने इस पट्टे को जो प्लस माइनस था, हमने यहाँ आप देखें नज़दीक से अलग अलग कर लिया, ये प्लस माइनस अलग अलग कर लिया है। आधे में पांच पॉइंट प्लस थे और 7 पॉइंट माइनस थे, तो मैंने इसको अलग अलग करके यहाँ से 2 वायर ले लिया ताकि इसमें लगाना आसान हो। हालांकि एक अलग टाइप का ये इन्वर्टर आता है जिसमें सीधे बेल्ट लग जाता है, तो वहाँ पे ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर इस समय अवेलेबल ये था। और आप लोगों को ये बताना भी था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर पट्टा लगा है तो वहाँ दो भाग में इसको करके, नज़दीक से वीडियो करो, दो भाग में यहाँ से करके आप इसको दो वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये शोल्डर मार के पट्टे से हमने दो वायर कर लिया। जाहिर सी बात है, बैक लाइट को शुरू होने के लिए प्लस और माइनस की आवश्यकता है, और इसको हमने दो भाग में कर लिया ये बैक लाइट के लिए। अब ये रहा हमारा पैनल। अब कोई भी बोर्ड डालने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी पैनल है वो कितने बोल्ट की है। जाहिर सी बात है, ये पैनल 18-19 इंच की है, तो 5 वोल्ट के आसपास ही आती है। 18-19 वोल्ट की पैनल जो होती है 5 वोल्ट के आसपास ही आती है अक्सर। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी है कि ये फुल HD है कि नॉन HD। अगर मान लीजिए आपके पास ये LVDS वायर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा, आप थोड़ा सा नज़दीक से देखें। हमने इस आप देखें यहाँ नज़दीक से, यहाँ जो अंदर पेयर जा रही है उसका यहाँ टेस्टिंग पॉइंट दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 पेयर में ये टेस्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है। और उसके जो वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन आते हैं वो नाम भी लिखा हुआ है। तो अगर ये 5 पेयर यहाँ दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये HD रेडी पैनल है। और आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है वोल्टेज का लगभग ये 25 वोल्ट लिखा है। 25 वोल्ट ना समझें, ये 5 वोल्ट इसको समझें, ये यहाँ लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि सप्लाई इसका इधर है। मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि यहाँ फुल HD है या HD रेडी है। मैं यहाँ पे दूसरे स्केलर PCB के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप यहाँ देखिए, ये जो फ्यूज़ लगा है, ये ध्यान से देखें जो फ्यूज़ लगा है वो किस तरफ लगा है। यहाँ फ्यूज पे रखें और देख लें यहाँ चेक करके कि सप्लाई कहाँ आ रही है। मतलब ये जो फ्यूज होता है वही सप्लाई पॉइंट होता है, और फ्यूज यहाँ आ रहा है, तो ये फ्यूज यहाँ आ रहा है, मतलब सप्लाई इधर हुआ। उसी तरह से मैं ये दूसरा स्केलर PCB इसलिए लिया हूँ ताकि आप समझ सकें, उसी तरह से जहाँ अभी इसको आप उल्टा करेंगे तो आपको यहाँ फ्यूज दिखेगा,
अब मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये पॉइंट है इसका, तो सप्लाई इसकी यहाँ आ रही है। देखिए इस तरफ सप्लाई आ रही है, इधर सप्लाई नहीं है, इस सप्लाई है तो इधर देखिए, इधर नहीं आएगा सप्लाई, यहाँ आएगा। आप यहाँ से चेक करने का प्रयास कभी ना करें, क्योंकि सर यहाँ पीने पतली पतली होती हैं, वो ख़राब हो जाएंगी। तो आपने देखा कि इसकी सप्लाई इस तरफ है, अब हमको एलवीडीएस लेना होगा जिसकी सप्लाई इस तरफ हो। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारा एलवीडीएस है, ये हमारा एलवीडीएस है। अब देखें यहाँ नज़दीक करो, अब देखें